इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में स्थित एक मंदिर ट्रस्ट को लेकर दो पक्षों में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा। मामले में पिछले दिनों पुलिस ने एक पक्ष पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की थी, जिससे आक्रोशित होकर क्षत्रिय समाज के लोगों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र की हजीरगंज कॉलोनी में काफी पुराना मंदिर है, जहां पर रहवासियों द्वारा ही विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। पिछले दिनों क्षेत्र के ही एक रहवासी गोविंदा अवस्थी ने मंदिर के विकास को लेकर हो रही चंदा उगाही पर आपत्ति दर्ज करवाई थी और पूरे मामले में सबूत के आधार पर थाने पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करवाया था, जिसके चलते विजय सिंह परिहार सहित दो अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद अब पूरे मामले में क्षत्रिय समाज के लोगों ने विजय सिंह परिहार के समर्थन एडिशनल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। आज इंदौर का समस्त राजपूत समाज बेहद आक्रोशित है, क्योंकि विगत 23 जुलाई को हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विजय सिंह परिहार जी पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। चूंकि उस मंदिर निर्माण में विजय सिंह परिहार जी द्वारा 1 लाख रुपए का दान देकर मंदिर निर्माण कराया गया है। अब हमको एफआईआर में से ज्ञात हुआ है कि ट्रस्ट फर्जी था, तो आज पूरा राजपूत समाज आया यहां पर ज्ञापन देने कि, और उसके साथ हमने ट्रस्ट का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठी है। पूरा राजपूत समाज यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से इस रिपोर्ट की जांच की जाए और इसका खात्मा पेश किया जाए, ऐसी मांग करता है। अगले कदम हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, पूरा समाज बैठेगा, पूरे समाज में बेहद आक्रोश है। हम लोग आगे से बैठ के प्लानिंग करके जो उचित कार्रवाई होगी उस चीज पर हम करेंगे। 1100 रुपए हर व्यक्ति से लिए गए निर्माण को लेकर, विकास को लेकर, नाम पर रोक लगाकर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे पुलिस पूरी जांच करे, एक भी रिसीविंग में अगर बाबूजी के हस्ताक्षर हो या कोई बोले, एक भी आदमी जाके अगर बोले कि बाबूजी ने अगर पैसा लिया है तो वो जांच का विषय है। पुलिस ने क्या जल्दी दी कि जो इतनी जल्दी टाइम में? अब ये तो पुलिस ही बता सकती है, इस चीज का जवाब हम कैसे दे सकते हैं कि किसके दबाव में कार्रवाई हुई है और कैसे कार्रवाई। मैं कुंवर वीरेंद्र सिंह चौहान पप्पू ठाकुर, अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा क्षत्रिय महासभा इंदौर। ये अखिल भारतीय राजपूत समाज के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ 420 और 34 का मुकदमा गोविंद अवस्थी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उसकी जांच के संदर्भ में राजपूत समाज के लोग आए हुए हैं। डीसीपी जोन 1 को